एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टेप क्लियर कंसेप्ट। आज की जॉब की अपडेट एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, वैकेंसी कितनी निकली हुई है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो लास्ट तक जरूर देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट यहाँ क्लियर होने वाले। एग्जाम नेम की बात करें तो एनएचपीसी रिक्रूटमेंट 2021 और 22 की तरफ से रिक्रूटमेंट है, जिसमें ट्रेनी इंजीनियर एंड ट्रेनी ऑफिसर ये आपके पोस्ट नेम रहने वाले। रेगुलर जॉब्स है, पब्लिक सेक्टर यूनियन की है जॉब्स रहने वाली है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें। सैलरी की बात करें यहाँ तो पोस्ट नेम वाइज सैलरी में आपको दोनों पोस्ट के लिए ट्रेनी इंजीनियर एंड ट्रेनी ऑफिसर के लिए सेम सैलरी प्रोवाइड हो रही है 50,000 रुपये, और जो लास्ट की सैलरी है वो 1,60,000 दोनों पोस्ट के लिए सेम सैलरी यहाँ आपको प्रोवाइड हो रही है। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ तो टोटल 67 वैकेंसी यहाँ निकली हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी ट्रेनी इंजीनियर के लिए 53 वैकेंसी है एंड ट्रेनी ऑफिसर के लिए 14 वैकेंसियाँ अवेलेबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एप्लीकेशन लिंक की आपको एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। हम डेली जॉब के रिगार्डिंग वहाँ आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ तो कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, तो यहाँ पहले पोस्ट के लिए जो भी ट्रेनी इंजीनियर पहला पोस्ट है उसके लिए आपको यहाँ बीटेक चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज, पावर इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनी इंजीनियर पोस्ट के लिए। सेकंड पोस्ट की बात करें तो ट्रेनी ऑफिसर, जिसके लिए आपको CA, CMA, ICWA, CS इससे आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनी ऑफिसर पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात करें यहाँ तो अपर एज लिमिट आपको 30 ईयर रहने वाली है। रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होने वाला है वो यहाँ आपको OBC, SC, ST के लिए, यहाँ PWD कैंडिडेट के लिए एंड EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आप नोटिफिकेशन से चेकआउट भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पेज पर इसकी कंप्लीट PDF आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो भी गेट के स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन होने वाला है ट्रेनी इंजीनियर के लिए। और सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी पोस्ट, दोनों पोस्ट के लिए आपका यहाँ गेट के मार्क के बेसिस पे यहाँ आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें फरीदाबाद में वेरिफिकेशन, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो फरीदाबाद में होने वाला है। और जो भी आपका चार्जेस लगने वाले ट्रैवलिंग अलाउंसेस वो भी आपको खुद पे करना है, यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 295 रुपये यहाँ आपको एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और SC, ST, PWD, EX सर्विसमैन कैटेगरी के लिए आपको कोई भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ आपको जनरल EWS कैटेगरी के लिए यहाँ आपको सिर्फ फ़ीस पे करना है 295 रुपये, और OBC कैटेगरी वालों के लिए भी आपको 295 रुपये फ़ी यहाँ अप्लीकेबल है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो अप्लीकेशन फॉर्म 22/12/2021 से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 17/1/2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। यहाँ हम आपके लिए डेली जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से ये नोटिफिकेशन किसी के काम आ सकती है।